पकड़ा है जिन्होंने मासूम लोगों के पैसे चुराने के काम में लगे हुए हैं। ये हमेशा बैंकों में या एटीएम मशीनों के पास जाके मासूम लोगों को ढूंढता है और लाइन में खड़े रहने के बहाने में उनसे दोस्ती करता है और उन लोगों को हेल्प करने के बहाने में उनका पासवर्ड चुरा लेता है। वहाँ पर उनका एटीएम पिन नंबर वहीं से देख लेगा और उनको अपने पैसे निकालने में मदद करेगा। मदद करते ही तुरंत अपना कार्ड, वो कस्टमर का कार्ड खींच के दूसरा कार्ड उसमें उनके हाथ में, अपने हाथ में जो बेकार के कार्ड रहता है डुप्लीकेट कार्ड, वो कस्टमर के हाथ में डाल देगा। डाल के ओरिजिनल कार्ड उनके पास आने के बाद वो एटीएम में डाल के पासवर्ड जो उनको ऑलरेडी देख चुका है वो पासवर्ड इस्तेमाल करके पैसे उसमें से निकाल लेता है। और हमारे केस में काचीगुड़ा और अंबरपेट में या नॉर्थ के लालागुड़ा में तीन केसेस में इन्वॉल्व है, बाकी एक राचकोंडा और साइबराबाद मतलब उपल और एक कुगटपली पुलिस एंड लिमिट्स में भी इन्होंने क्राइम कमिट किया है, ऐसे एटीएम कमिट। हमारे अंबरपेट पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में जो कि 12 तारीख मार्च को रिपोर्ट हुआ उसमें 2,40,000 रुपये इन्होंने निकाल लिया तीन मरतबे में। असलियत में एक एटीएम कार्ड में 40,000 की लिमिट है एक रोज़ में, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो कार्ड इस्तेमाल करके 40,000 निकालने के बाद एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन उसमें करेगा, 40,000 अपने कार्ड में ट्रांसफ़र कर लिया और अपने कार्ड में 40,000 एक रोज़ में 80,000 निकाल लिया तीन रोज़ में। हालांकि वो बेकसूर था, एक बुढ़ा आदमी था, उन्होंने अपना SMS भी नहीं पढ़ पाया कि कितना अपना काटा है, बैंक से अलर्ट मैसेज भी वो नहीं देख पाया। तीन दिन बाद देखा, तीन दिन में उन्होंने 2,40,000 रुपये तब तक निकाल चुका था और वहाँ से गायब हो गया। वैसे ही काचीगुड़ा में 2 मार्च के दिन एक बावर्ची के मतलब एक हॉस्टल में कुक है, बावर्ची है, गरीब आदमी है, उनका तनख्वाह का अकाउंट है बैंक में, वो ATM में जाके वो 36,000 वो जब विड्रा करने आता है तो उसमें से उन्होंने 36,000 रुपये निकाल लिया और उसको भी उसके साथ भी चोरी किया। अभी इनसे रिकवरी में 2,30,000 रुपये रिकवरी कर लिए और अरेस्ट करके आज मजिस्ट्रेट के सामने हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। कितना की गई अंबरपेट में 2,40,000 की। कितने जने ये अकेला करता है सर, कहाँ का रहने वाला है? कर्नूल जिले के रहने वाला है और कर्नूल और कड़पा में कई सारे ऑफेंसेस इनके ऊपर है और हमारा हैदराबाद में ही हैदराबाद सैबराबाद राचकोंडा में मिला के 17 ऑफेंसेस है इनके ऊपर और एक बार PD एक्ट में भी एक साल जा चुका है, इसके बाद भी नहीं सुधरा, फिर दोबारा PD एक्ट भेजेंगे एक साल तक क्राइम फ्री रहेंगे हैदराबाद।